जय हिंद साथियों। साथियों मैं हूं लखन राठौर और आप देख रहे हो हमारा YouTube चैनल द बेस्ट फिजिकल एकेडमी धार। साथियों आपने अगर थंबनेल देखकर क्लिक किया है तो बहुत सही वीडियो पर क्लिक किया आपने। साथियों इस वीडियो के माध्यम से पूरा ग्राउंड अगर आपको रनिंग क्लियर नहीं करवा दी इस वीडियो के माध्यम से तो इस चैनल पर रिपोर्ट कर देना साथियों। आप कमेंट करना सर भर भर के गालियाँ, ठीक है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इतना शानदार तरीके से समझाऊंगा मैं आज, क्योंकि मैंने इससे पहले भी दो वीडियो बनाई है, काफ़ी उस पर पॉजिटिव कमेंट्स आए हैं, काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं मेरे भाइयों के। सभी भाइयों ने बताया कि इस वीडियो के माध्यम से हमारी रेस भी क्लियर हुई है, कम से कम हज़ारों में उसमें लाइक गई है और लाखों में उस पर व्यू गए हैं। साथियों एक बार आपको मैं बता दूँ कि इस वीडियो के अंदर से अगर आपको सही नॉलेज लेना है तो आप शांत जगह पर या हैंड फ्री लगाकर अपने शांत दिमाग से इस वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है साथियों, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना साथियों, वो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी की सक्सेस से रिलेटेड है। साथियों एक जरा सा भी आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान सक्सेस नहीं दिला पाएगा। साथियों स्टार्ट करते हैं। 1600 मीटर का ट्रेक है साथियों आपका, ठीक है, जो कि कई सालों से आपका सपना है देश की इंडियन आर्मी में जाने का और देश के लिए सेवा करने का। मैंने आपके लिए 10 पॉइंट तैयार किए हैं। इस 10 पॉइंट में आपको इतने अच्छे तरीके से समझाऊंगा, और ये जो 10वां पॉइंट है ना साथियों, इस 10वें पॉइंट को मैं आपको आखिरी में बताऊंगा, क्योंकि इस पॉइंट की वजह से अगर ये 9 पॉइंट भी अगर आप भूल गए ना सावधानी में, और सिर्फ ये 10वां पॉइंट भी याद किया आपने, तो यकीन मानो चाहे जितना आपका खराब टाइम हो, इस 10वें पॉइंट को अगर आपने याद रखा, ये गुरु मंत्र है साथियों, अगर इसको आपने 10वें पॉइंट को आपने याद रखा तो आप 101% आपकी भर्ती क्लियर होगी। ये मेरा नाम आप बदल के रख देना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका भर्ती स्थल पर एक दिन पहले जा। जी हाँ साथियों, अगर आपकी भर्ती कल है तो आज यानी कि शाम को मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं। अगर आप 100-200 किलोमीटर दूर से अगर भर्ती देखने चाहते हो तो आपको बीच में एक दिन का गैप रखना है और एक दिन पहले ही भर्ती स्थल पर पहुंच जाना है। वहां पर कोई अच्छी जगह देखकर, कोई अच्छा होटल या आपकी बजट की जगह देखकर आपको रिलैक्स करना है, ठीक है। और ग्राउंड का जायजा लेना है कि वहां पर नंगे पैर दौड़ना है या जूतों में दौड़ना है, किस तरीके का टाइमिंग दिया जा रहा है, क्या क्या गलती नहीं करना है, ये सारी जानकारी आपको ग्राउंड पर पहुँच कर जुटाना है साथियों। दूसरा पॉइंट, भर्ती से पहले दिन ट्रेवल या ज़्यादा घूमना नहीं है, ठीक है। मान लो आपकी कल भर्ती है तो आज आपको ट्रेवल भी नहीं करना है और ना ही दिन भर बेकार का भटकना है साथियों, आपको रिलैक्स करना है आपकी जानकारी जुटाने के बाद। शाम को 5 बजे नहाना प्लस खाना। जी हाँ साथियों, अगर आप कहीं से भी थके हुए आते हो और ये मान लीजिए कि आपके शरीर में थोड़ी थकान है, ठीक है, थोड़ी हरारत है, तो आपको क्या करना है, शाम के 5 से 6 बजे के बीच में आपको नहाना है, ठीक है। नहाना इसलिए साथियों ताकि नहाने से आपको तो पता ही है कि अगर हम नहाते हैं तो बॉडी हमारी रिलैक्स हो जाती है, माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी सी पॉजिटिव थिंकिंग हमारे अंदर आ जाती है साथियों। साथ ही साथ खाने का जो समय मैंने बताया है वो भी आपका सेम रहेगा, क्योंकि अगर आप सही समय पर खाना खाएंगे और सही तरीके का खाना खाएंगे तो आप भर्ती जो आपकी 2 बजे की जो एंट्री होती है ना, उससे पहले आप अच्छे से फ्रेश हो सकते हैं, और अगर आप अच्छे से फ्रेश हो पाएंगे तो जोर लगाकर सुबह ग्राउंड पर दौड़ पाएंगे साथियों, ठीक है। चौथा जो पॉइंट है आपका, रात 8 बजे पूरे कागज चेक करना। इस बात को ध्यान रखना साथियों, क्योंकि पूरी रणभूमि और जो पूरा युद्ध है ना साथियों, पूरा दिमाग में पहले से ही प्लान हो जाता है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपके डॉक्यूमेंट सारे चेक करके आपके बैग के अंदर रख लेना, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपका छूटा तो आप ग्राउंड से एग्जिट हो जाओगे साथियों। रात 9 बजे ग्राउंड स्थल के पास, ग्राउंड की 100 मीटर की दूरी में आपको ग्राउंड के पास पहुंच जाना है 9 बजे। छठा पॉइंट आपका, मस्ती मजाक पैरों की मालिश। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 2 बजे के पहले पहले एंट्री होती है, बहुत मस्ती करते हैं, मजाक करते हैं और बार बार घबराहट की वजह से पैरों की मालिश करते हैं। जी हाँ साथियों, बहुत सारे भाई क्या करते हैं, ग्राउंड पर अपने दोस्तों के सर्कल के बीच में मजाक मस्ती करते हैं, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी वेस्ट होती है और वो थक जाते हैं साथियों। बहुत सारे भाई नर्वस होते हैं, जिसकी वजह से वो बार बार पैर को मालिश करते हैं फिर ठंडा करते हैं, मालिश करते हैं फिर ठंडा करते हैं,
यकीन मानिए साथियों, अगर आपको रेस जीतना है तो ये गलती आपको नहीं करना, क्योंकि नंबर आने तक चुपचाप और आराम करना है। नंबर आपने 2 बजे एंट्री ली, आप अंदर लाइन में लगे हो, चुपचाप रहना है और रिलैक्स करना है वहां पर भी। 8वां, घबराना नहीं है, मेहनत पर विश्वास रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है। विश्वास रखिए कि आपने मेहनत की है और इस भर्ती को क्लियर करोगे, क्योंकि आपने फर्स्ट फेज जो कि सबसे मुश्किल होता है एग्जाम, वो क्लियर करके यहां पर पहुंचे हो आप, ठीक है। 9वां जो है आपका पॉइंट, लाइन में पैर लंबे करके बैठना है। बहुत सारे बंदे क्या करते हैं, पैर के ऊपर बैठ जाते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो आपको पैर को लंबे करके बैठना है या हल्की बाल्की मान के बैठना है, पैर पे नहीं बैठना ताकि आपको थाई फूले नहीं। 10वां पॉइंट मैं आपको सबसे आखिरी में बताऊंगा साथियों, ठीक है, इस वीडियो को बिना स्किप करके देखना साथियों। मजा अगर नहीं आए तो कमेंट में गालियां भर के देना, ठीक है। यहां पर आपका एंट्री होता है रात में 2 बजे, एंट्री के समय पे आपका आधार कार्ड और एडमिट कार्ड चेक किया जाता है। एंट्री होने के बाद में आपको यहां पर लाकर बिठा दिया जाता है। अभी जिस तरीके से मैंने देखा है कि दो दो ट्रेड और की भर्तियां हुई थी, जैसे कि क्लर्क और ट्रेडमैन, टेक्निकल और ट्रेडमैन, मान लीजिए कि टेक्निकल यहां पर आपकी फील्ड है, आपकी जो ट्रेड है वो यहां से एंट्री करती है, एंट्री करने के बाद में यहां से अंदर आती है, ठीक है। इस पॉइंट पर आपको यहां से लेकर यहां पर ले जाया जाता है, रनिंग के लिए बिठाया जाता है, ठीक है। अगर आपका पहला बैच है और आपको यहां से लेकर जा रहे हैं और यहां पे रखा है आपको, तो आपको यहां पर सारे बंदों को बिठाया जाएगा, ठीक है। आपके बैग भी आपके साथ रहेंगे। साथियों एक बात ध्यान रखना, जब भी आप यहां पर रनिंग के लिए बैठो तो आपके बैग का जो हैंडल होता है ना, उस पर आपको निशाने के लिए रुमाल वगैरह बांध देना। क्यों? क्योंकि अगर आप पास हो गए, और ये जो फेल वाले बंदे होते हैं ना, ये फेल वाले बंदे जब फेल होते हैं तो इनको यहां बिठाया जाता है, और जो रनिंग वाले होते हैं उनको यहां बिठाया जाता है, ठीक है। जब ये बंदे बैग लेने के लिए दौड़ते हैं तो साथियों इतनी घबराहट रहती है इनको और इतनी जल्दी होती है कि ये हो सकता है किसी और का भी बैग उठाकर भाग जाते हैं, हो सकता है वो आपका बैग उठा के चले जाए जिसमें आपके डॉक्यूमेंट हो, और इसको भी पता नहीं हो और आपको भी पता नहीं हो, तो साथियों इसमें दिक्कत हो सकती है। इसलिए आपके बैग को खड़ा रखना है और हैंडल के ऊपर आपको रुमाल वगैरह बांध के रखना है। साथियों रनिंग में जब आपको यहां पर से यहां लेकर लाया जाएगा तो कुछ इस तरीके से, जिस तरीके से अभी 100 बंदों का बेच है उसी तरीके से मैंने यह 100 बिंदु बनाई है। वन हैंड डिस्टेंस में इस बार बिठाया जा रहा है, कोई धक्का मुक्की नहीं है, कोई भगदड़ नहीं है। साथियों जब आपको यहां पर बिठाया जाए और अगर आपका नंबर यहां लग जाता है, ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हौसले की जरूरत है। साथियों जब आपका नंबर यहां पर आ जाता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले टाइम दिया जाता था 5:20, अब टाइम दिया जाता है 5:45। बंदे हैं 100, पहले होते थे 300। जैसे ही यहां पर आपको बिठा दिया जाए, आपको आपके माइंड को शांत रखकर सीओ साहब की बातों का ध्यान रखना है कि वो कब वहां पर गो बोलने वाले हैं। जैसे ही वो गो बोले, आपको उठकर यहां से सीधे इस पट्टी पर आ जाना है, यहां से इस पट्टी पे आ जाना है। बार 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 आपको रनिंग को क्लियर करना है साथियों। अगर ये सिचुएशन थी यहां वाले बंदे की, अब सिचुएशन आती है आगे वाले बंदे की। अगर आप आगे बैठ गए हो तो आपको खुश होने की जरूरत नहीं है साथियों, और उस एक्साइटमेंट में आपको यहां पर 200 मीटर का शूट मारने की जरूरत नहीं है साथियों। जितने अंदर आपके पैरों के अंदर ताकत है उतना ही शूट मारिएगा, क्योंकि अक्सर देखा गया है जितने भी बंदे हैं पहले चक्कर में जिसने स्पीड तेज मारी वो आखिरी चक्कर में कहीं तक नहीं दिखा साथियों, ठीक है। यहां से हो गई बात हमारी पूरी। दोनों बंदे यहां से भागते हैं, पहला यहां भागता है, इधर सबसे पीछे वाला इधर भागता है, आपका पहला चक्कर खत्म हो जाता है। उस पहले चक्कर में किसी भी भाई को पता नहीं चलता है कि पहला चक्कर खत्म हो गया है। जैसे ही साथियों दूसरा चक्कर लगता है, पूरी लाइन बनती है,
पूरी लाइन जब बन जाए तो आपको ध्यान रखना है कि दूसरे राउंड में आप कितने बंदों के पीछे हो। कोशिश करना है साथियों, वहां पर कोई टेक्निक काम नहीं आएगी, ना ही कोई माइंड चलता है वहां पर। सिर्फ एक बात, आपको आगे वाले बंदे को कट करना है। अगर आप पीछे पीछे चलते रहे और आप पीछे रहे तो आपको फौजी भाई काट देंगे। साथियों, अगर आपको रेस क्लियर करना है ना, तो अपने से आगे वाले लड़कों को क्रॉस करते हुए निकलते रहना साथियों, ठीक है। आया तीसरा नंबर। तीसरे नंबर में आपको ध्यान रखना साथियों, 100 बंदे हैं, ज्यादा बंदे नहीं है। तीसरे नंबर के जो राउंड में होता है ना साथियों, बच्चे बहुत सारे रिलैक्स हो जाते हैं, धीरे धीरे दौड़ना चालू हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इस राउंड में कम से कम 30 बंदों के अंदर आना है, सिर्फ 30 बंदों के अंदर आपको आना है। जैसे ही आपका तीसरा राउंड क्लियर हो जाता है, चौथा चक्कर में साथियों एक बात ध्यान रखना, जिसने तीसरे राउंड में रिलैक्स मोड पे था ना, वो चौथा राउंड पूरा खींच के लेगा, पीछे से आएंगे खींचते हुए साथियों। तो आपको यहीं से पूरा जितना जोर लगा सकते हो उतना पूरा खींचना है। अब मैं बताऊंगा दसवां पॉइंट ये है साथियों, एक मिनट, आपका जो दसवां पॉइंट है ना वो ये है साथियों। अपने माँ बाप का सपना पूरा करना साथियों। चौथा राउंड सिर्फ इन दोनों के लिए दौड़ना है आपको, पूरा खींच के। जब तक आप यहां या यहां नहीं आ जाते हो, या यहां की रस्सी पर आप क्रॉस नहीं कर जाते हो, तब तक आपको इन दोनों के लिए, अपने लिए नहीं, इन दोनों के लिए रेस क्लियर कर जाओगे साथियों। यह बात ध्यान रखना, यही आपका दसवां पॉइंट था। ये 9 पॉइंट अगर आप याद नहीं भी रखोगे, 9 पॉइंट की जगह सिर्फ ये दोनों का नाम याद रखोगे, इन दोनों की मजबूरी याद रखोगे, इनकी तकलीफ आपको याद रहेगी, तो आप कोई सा भी ग्राउंड हो, कितने भी बंदे हो, आप रेस क्लियर करोगे। जैसे ही पास हो जाते हो, आपका बैग उठाएंगे, बैग उठाने के बाद में साथियों आपको यहां से बाहर कर दिया जाएगा। जो भी आपका मेडिकल वगैरह होगा, जो भी आपका डॉक्यूमेंट वगैरह होगा, वो यहां पर आपका प्रोसेस होगी, और वो प्रोसेस नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, किस जगह मैंने कुछ अच्छा बोला, वो टाइम आपको कमेंट करके बताना है कि इस जगह आपने सर बहुत अच्छा बोला। अगर कुछ अगर गलत बोला है तो वो भी बताना है। पर नए हो तो सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।